आप हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में? हिंदी में बोलना, हिंदी में बोलना, मैं भी हिंदी में बोलता हूं। हां हिंदी में, ये जो गुजरात का 2002 का जो रिपोर्ट था, इसमें कई लोग इसका अफेक्ट हुए थे, इसमें जो ये इन विक्टिम्स को, विक्टिम्स के लिए जो लीगल बैटल कर रहे हैं कि आप मुकुल संघा, मुकुल संघा ना मुकुल जी का, और राहुल शर्मा, इस तरह जो भी ऑफिसर्स हैं ये सब नॉन मुस्लिम्स हैं। ये जो नॉन मुस्लिम्स ओनली फाइटिंग द लीगल बैटल, जो इसमें मुस्लिम ऑफिसर कुछ नहीं है, तो ये काम आप जो कर रहे हैं इसके लिए जो सारा हिंदुस्तान का मुस्लिम के जरिए आपके लिए शुक्राना अदा करके अभी शुरू करेंगे कि नियरली 2000 केसेस है इसका। अभी 2000 केसेस में जो आपका लीगल बैटल हो या तिस्ता मैडम का लीगल बैटल हो, इसमें कितने लोग को कनेक्टेड हुआ है? 2000 केसेस में इंटरेस्टिंग बात है, इसमें सी केस कोई भी कुछ सी ऑफेंस हो गया, वो केस इन्वेस्टिगेशन तुरंत वो एरिया का पुलिस स्टेशन करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करना इंफॉर्मेशन देते हैं। और गुजरात में पहले से गुजरात पुलिस ठीक से इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इसलिए एक्टिविस्ट तो हम तो सभी सर्विस नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया केसेस सीबीआई को देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिले कर दिया। बहुत प्रेशर आ गया उस समय 2008 में, 2008 अप्रैल में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गलती क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में टॉप दो ऑफिसर को छोड़कर बाकी सभी गुजरात पुलिस में सर्विंग ऑफिसर को दे दिया। तो सर्विंग ऑफिसर का सर्विस रिकॉर्ड से ना वो गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड करते हैं, आप और काम करते हैं जवाहरला के बाद, और आप जवाहरला का भाई के बारे में इंक्वायरी करते हैं, मैं उसको सुपरविज करते हैं, मैं मेरा सुपरविजन का मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप एडजस्ट करके उनको ही वर्क करें ना, जब मैं अभी दो महीने आपका सुपरविज करके चले जाएगा, आपका परमानेंट जॉब उनसे करना है, आपका एनुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, ये एनुअल असेसमेंट सिस्टम है, आप जानते हैं वो लिखते हैं, पगार वो देते हैं, तो उनका कंट्रोल आप पर होगा और मेरा कंट्रोल कैसे चलेगा, वो एक गलत था। इसमें क्या है, ये गुजरात केस में प्राइमरली केस थोड़ा डिफेक्टिव हो भी, एफ आई आर पुलिस ने रजिस्टर किया, 2000 केस था, ये 2000 केस में आपका जी भी रहेगा, यही पूछ रहा 2000 केस में कितनों को बोल दो कन्विक्शन हुआ था? 2000 केस में, वो ये 2000 केस के अंदर ये सभी केस ये एविडेंस नहीं है ऐसे रिकॉर्ड करके ये मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया। अच्छा, मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं किया इसके बारे में, ये एक्टिविस्ट ने केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ये केस री इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दूरंत दूरंत क्या है, शायद सुप्रीम कोर्ट को शायद नहीं कर सकते, दो तरह केस दे सकते हैं, उन्होंने क्या किया ये सभी केस गुजरात गवर्नमेंट को ही, पुलिस को ही, तो गुजरात पुलिस पुलिस इन्वेस्ट उस समय मोदी ने क्या किया, ये इन्वेस्टिगेशन का चार्ज उस समय डी जी एक डी जी रिटायर हो गया 2005 या 2006 में, एक मुस्लिम डी जी को मुस्लिम अपॉइंट किया, वो उसको भी तकलीफ था। अच्छा, ये मुस्लिम ऑफिसर का नाम है खंडू वाला, मेरा बुक में लिखा है, कुछ ने कैसे पेपर किया, एक गुंडू वाला दूसरे कोई प्राइवेट केस में उसको सजा मिला था। अच्छा, वो सजा मिला था कन्विक्टेड था, वो साबित हो गया कन्विक्टेड हो गया, वो इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हो गया, जेल में गया था, बाद में उसमें बेल मिला, वो बेल बेल में निकला था, ऐसे आदमी को पोस्टिंग किया क्योंकि इसको ये कुछ गड़बड़ करने तो वो फिर भी जेल जाएगा। हाँ, इस तरह अभी जो ये आदमी ने क्या किया, ये 2000 केस में 15-20 केस के छोड़कर बाकी सभी केस को फाइल कर दिया, ये विटनेस को, विटनेस खुद मुझे बोला, विटनेस एफ आई आर रजिस्टर करने वालों को बोला तुमको शांति से रहने से करें, और ये मुस्लिम ऑफिसर के भी उसका प्रशस्त किया, दूसरा क्या है उनका कंडीशन क्या था, ये गांव-गांव से बहुत लोग उस समय उसका जमीन का नुकसान हो गया, सामान तोड़ दिया, ये कारण से इन्होंने क्या किया वो वहां छोड़कर सिटी में चले गया। ये वापस जाना मत, अभी मुझे मेरा जमीन केरल में है, मुझे सामने एक बार तक जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बस एक केस तुम विथड्रॉ करो,
केस में फरियाद ने ऐसे दे दो, उनको दबाव क्या था? हाँ, उनको तो आपको वापस वहाँ आराम से रहने देगा। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। आप बेनिफिट केस विथड्रा करो तो आप ये रूम में रह सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फेंक दूंगा। सही बात है। ये कारण से वो केस किया। बाद में हम इतना केस ट्राई करना मुश्किल है, इसलिए हमने क्या किया, ये नव केस इम्पोर्टेंट केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया। ये नव केस का इम्पोर्टेंट केस है, सभी मेजर मसकर हो गया था ज्यादा, वो केस नरोदा पटिया, नरोदा गांव, गुरबक सोसाइटी, वो वार्ड गांव, सरदारपुरा, ये सरदारपुरा में नरोदा पटिया, ये सभी का इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बड़ा शूड है वो तो, तमन ब्राह्मण बड़ा बुद्धिशाली होता है। लेकिन वो स्पेशल में से है एक बात है, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया हुआ था री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, तो एसआईटी में आप और तीसरा सेटलवाट और राहुल शर्मा, ये तीनों भी डिटेल्स अपडेट किए थे ना, सबमिट किए थे। लेकिन सबमिट करने के बाद भी ना कोर्ट आपका वो अफिडेविट कंसिडर किया ना कोर्ट ने, नहीं करना एसआईटी को स्टेटमेंट नहीं दे सकते, अफिडेविट कमीशन को, कमीशन नहीं ब्रिटिश कमीशन। अच्छा, ज्यूडिशियल कंसर्न किया था क्या आपका जो अफिडेविट? नहीं नहीं, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, हां कंसर्न भी नहीं किया। हां सही बात है। तो अच्छा, ए बुक पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने हमारा बुक पढ़ कर आने से इंटरव्यू अच्छा होगा। हां मैं बुक में लिखा दूंगा। हां बुक में लिखे हैं आप? नहीं बुक में, और एक बहुत बुक है, मैंने कुछ पढ़ा। आप इसमें ईमेल है? ईमेल है मेरा, तो ईमेल मुझे देने से मैं कल यहाँ से बुक का पूरा कॉपी भेज। ठीक है, अच्छी बात है, ये सॉफ्ट कॉपी। हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन आपने बुक थोड़ा बड़ा है, मैंने खुलने बड़ा बुक में आप एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि जो ये जो नरोड़ा पटिया जो 500 फैमिली से उधर है, वो लोग जो रिफ्यूजी मांगे मुस्लिम ऑफिसर ने, वही बोल रहा हूँ, अभी एसआरपीएफ का जो कैंप था वहाँ पे वो लोग आगे अंदर आने के लिए रिफ्यूजी मांग रहे हैं। तो आपको उधर से पहली बार मैं ऑर्डर दिया था, मेरे ऑर्डर है, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। उनके वजह से उसी दिन 56 मुस्लिम मसाला कर दिया था ना, वो ऑफिसर को अभी भी, वो मुसलमान है, वो यूपी का मुसलमान है, ये आईपीएस ऑफिसर, सबसे अच्छा पोस्ट अभी पोस्ट मिल गया। नहीं यही बात कह रहा हूँ साहब, अब एक बात है कि आपके बुक में ये भी लिखे हैं कि उस वक्त 6 आईपीएस ऑफिसर मुस्लिम थे, 6 नहीं ज्यादा थे, 6 ऐसा 7 का ये ये मुस्लिम ऑफिसर जब थे, जब आप जैसे नॉन मुस्लिम ऑफिसर ने इतने काम किए हैं, जो ये लोग क्यों जो इन लोग मुस्लिम के ऊपर हिंसा हो रहा था, ये रोकने को ये लोग क्यों आगे नहीं आए, ये इसका साइकोलॉजी क्या है कि मुसलमान होने के नाते आपको मुसलमान में हो कोई भी हो, ये ह्यूमन राइट्स के लिए आपको बहुत हमदर्दी है, सहानुभूति है, अनुकंपा है, इंग्लिश में एम्पति है, आप एम्पति है तो ये इसके क्या आपको क्या मिलेगा फायदा, ये अभी रात में आकर करते हैं आपको कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको एक भाई को इतना तकलीफ होते हैं तो आपका मन दुखते हैं, उसका मन दुखते नहीं, ये दूसरा क्या है, क्यों दुखते हैं, गवर्नमेंट के साथ रहता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से स्वार्थ राव मिलेगा, अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ इसमें आप तो बड़ा सीधा सा आप देखते हैं, ये सब फायदा है, अवर मोदी को डबल फायदा है, ये इन्होंने मदद करेगा वो फायदा, दूसरा वो बोलेगा ये मुस्लिम ऑफिसर ने किया है। फिर भी आप डीजीपी इंटेलिजेंस डीजीपी रह के आपका रिटर्न ऑर्डर भी उन लोगों ने मना किया था ना, उसलिए अच्छा पोस्ट मिला। बीजेपी लोकल बीजेपी लीडर से इनको बोला तुम मुझे ऐसा करो कुछ भी, लेकिन तो जाकर अमल नहीं कर सकते ना, इसलिए फर्स्ट 500 फैमिली को बचा लिया, ये अंदर लिया, उसमें ये खुर्शीद आलम है उसका नाम, वो बोला वो भी सच्चे साथ, यहाँ अंदर एक 20 पुलिस वाला है क्या मुझे, बाकी सभी चले गया ड्यूटी पे। मैंने बोला उसको ये आने वाला क्राउड को पता है नहीं है, ये हमका अंदर की बात है। तो आप ये एसआरपी कैंप के अंदर इसको बिठा दो, कोई एसआरपी कैंप में घुसने के लिए हिम्मत नहीं करेगा, किस तरह भी तो पाकिस्तान आर्मी आना पड़ेगा, और तो वो बचेगा। और अजवानी खुद का बुक में लिखा है उन्होंने 500 आदमियों को बचा लिया,
और दूसरा ग्रुप आ गया तब उसके बीच में लोग मारने मारना उसको मारने मांगते थे, दूसरा ग्रुप इनके ऊपर पॉलिटिकल एड्रेस प्रसव किया। उसका नंबर टू भी मुस्लिम था, वो गुजराती मुस्लिम था, कुरैशी, वो दोनों को आप लिखे हैं किताब, और कुरैशी को मेडल भी मिला मेडल। लेकिन वो आप जो बोल रहे थे वो मेडल यानी इसलिए नहीं मिलना चाहिए थे और उसका कोई और काम कर लिया, कुछ नहीं नॉर्मली ऐसे ये आम रिसेप्शन से ऐसे आदमी को मेडल मिलता है, आम रिसेप्शन नहीं मिलता मेडल, प्रेसिडेंशियल मेडल ना नहीं आओ, ये उदाहरण है। अच्छा अच्छा, जो इन लोग का जो पॉलिटिकल मास्टर्स का जो काम किए थे इसके लिए उन लोगों को, अरे बाकी उसमें नाम देते हैं ये मुसलमान कर क्या हूँ कांग्रेस का दोस्त है ऐसे बता कर अच्छा अच्छा पोस्ट नहीं दिया। अच्छा और हाँ अच्छा पोस्ट नहीं दिया पैसा के लिए वो आपने लिखा था एक ऑफिसर का वाइफ था आई एस उनकी भी कोई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टर बनाया था बोलिए हाँ उसका वाइफ को वाइफ फोपाली वाली औरत है कोलाबरेटर मास क्लेम्स एंड इन्फोर्सर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ 135 ये सभी गवर्नमेंट का सपोर्ट करके क्या क्या देखो यूसुफ राव चीफ सेक्रेटरी वो कोई एविडेंस नहीं दिया, नैनावली कमीशन को दिया कोई कोई एफिडेविट नहीं दिया ही, उनको अभी 70 ईयर ओल्ड है इसको पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। अच्छा। और लास्ट पे दे दिया इसका मतलब डबल पे, मैं तो हाफ पे मिलते हैं पेंशन अशोक नारायण उसको क्या पोस्टिंग दिया, पी के मिश्रा उसको दिया, ये सभी है ये सभी मदद किया उसका छोटे मोटे मदद कर सकते हैं, ये लोगों को आदमियों को मार देने में मदद किया, पैसा भी मदद किया करप्शन में किया, मैं समझ सकते हैं मैं नहीं करूँगा वो ठीक है, ये तो महापाप किया लोगों को मार देने में सब दिया पाप का सबूत किया। हाँ अभी सर ये भी है जो गुजरात का ये SS Khandwala, here is an officer who was convicted in a criminal case by a Sessions Court in 2004 in a case of human rights violation but was promoted to the senior most post of the DGP in Gujarat in 2009. His conviction was superseded and given the charge of the entire Gujarat police force, brazenly ensuring full subservience of an officer. English aapko hard hoga. Surviving. He reportedly utilized the police force for making witnesses of rape cases hostile. So hardly 35 cases of 2000 odd cases reopened on Supreme Court's orders were charged. इन्होंने ये मुसलमान का डर अभी कुछ भी है भाई तुमको तुम्हारा भले के लिए बोलता हूँ केस छोड़ो वापस तुम विलेज में जाओ यू गो बैक टू योर विलेज एंड वी रेंशर प्रॉपर्टी एंड मोदी जी बोल प्रोटेक्शन किया वहाँ का हिंदू लोगों के ऊपर अभी तो इनको फिर भी अटैक नहीं करना वो कम्प्रोमिस हो गया इसलिए वो फायदा क्या है ये केसेस में जितना हिंदू अक्यूज है वो बच गए एंड अभी क्या है ना मंथली 5 लाख सैलरी से मोदी ने इसको SR कंपनी में नौकरी दिलवा दिया सबको अवार्ड मिले हैं। अच्छा सर अभी जो ये अवार्ड नहीं उस तरह हमारे हमको अभी तंग करते ही रहते हैं डबल पॉइंट से यही पूछ रहा हूँ आप मुझे चमचा के लिए आपको बिरयानी खिलाया तो इसको नीचे बिठा दिया इसको मारने के लिए बंदोबस्त किया ऐसा तक यही सवाल है कि जो मोदी जी को जो जब अपोज किए थे जो भी ऑफिसर हैं इन लोग एक एक बोल के बदला ले रहे हैं क्या अभी ये राहुल शर्मा पनिशमेंट मिलने वाला राहुल शर्मा मैंने तो इसमें है मैं आरोग्य दिखाने संजीव भट्ट डिसमिस किया और राहुल शर्मा को तंग किया पेंशन पगार नहीं दिया वो वॉल्डर क्रमन लेकर प्रैक्टिस करते हैं इसे इंडिपेंडेंट आदमी तो एक एक को जुन जुन के अलग ना अभी बाहर पागल कम है रजनीश राय इसको अभी जबरदस्ती आसाम भेज दिया इसका वाइफ गुजरात का एस ऑफिसर भाई वाइफ को है एंड वाइफ को बाहर का पोस्टिंग के लिए छुट्टा नहीं करते तो जो भी तंग करना है लोगों को वाइफ यहाँ बच्चा वाइफ के साथ वो आसाम में CRP में
अच्छा ये जस्टिस सिस्टम जो है अभी सारा दुनिया जानता है कि ये गुजरात का हिंसा के लिए उसका कारण कौन था, इसका वजह क्या है, कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है, बोलिए सारा दुनिया जानता है। आप जैसे ऑफिसर भी बाहर आके अभी तक ये हैं जो बाहर बयान दे चुके हैं, इसके पहले जो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था नेल गैस है यानी वो अपनी बयान दिए थे वो लोग, सब इतना होने के बावजूद भी ये इन लोग को क्लीन चिट जैसा मिलता है, तो अगर जस्टिस सिस्टम फेल है वो एक्सटेंड में फेल हो रहे, वो एक्सटेंड में फेल हो रहे 100% नहीं, कोई कोई सफल हो गया मैं इसमें क्लियर एक्सप्लेन किया है। राइट्स में पांच टाइप का ट्रेनर्स का कोऑपरेशन है, फाइव टाइप का ट्रेनर्स इन ऑल राइट्स, प्लानिंग प्लानिंग्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने अभी प्लान किया आपका कुछ खाने का बंदोबस्त के बोलते तो मैं यहाँ का ऑर्गेनाइजर को बोलना पड़ेगा भाई बंदोबस्त करो, तो ही ऑर्गेनाइजर प्लानर चाहिए, ऑर्गेनाइजर बिना कुछ नहीं कर सकते। अभी 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 ऐसे के चाय आ रहे उन्होंने लाया ना, मैं प्लानर में हूँ ऑर्गेनाइजर। थर्ड इज मोबिलाइजर, रिसोर्स मोबिलाइजर, क्योंकि रिसोर्स इकट्ठा करना है, लोग हथियार पकड़ा दिया सोट पकड़ा दिया और गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, ये आई कॉल दम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सामग्री इकट्ठे करने वाला कोई भी काम के लिए चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ ग्रुप दैट इज फैसिलिटेटिंग, ये राइट्स होने का संजोग तैयार कर दिया, फंड रेज करते हैं, फंड रेज नहीं ऐसा करते हैं जी। अभी देखते हैं कि हम अभी राइट करने के लिए ना किया, मैं प्लानर हूँ, आप एक क्राउड लेकर आया, ये सामान लेकर आया, हजार हजार छोड़ लेकर आया, बस आ गया वहाँ पुलिस है, पुलिस हमको रोकना नहीं चाहिए तो ही कर सकते हैं, ये फैसिलिटी इसमें है। गुजरात में राइट्स के टाइम पर 30 डिस्ट्रिक्ट 30, उसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स में नो राइट्स। पढ़ना चाहिए मोदी और संघ परिवार ने क्या प्रचार किया, 59 हिंदुओं को मार डाला, हिंदुओं का मन भाई बहुत दुख हो गया, ये इतना खरना चढ़ गया वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे पुलिस और कोई को, इन्होंने मुसलमानों को मारा, जो कम्युनिटी हमको मारा है हम मारे उसको रोकना नहीं है, छोड़ दो ये सभी सुना नहीं, तो ये बात साबित नहीं हुई क्या कोर्ट पे, जो सीएम बोले बल्कि जो ये तो आरोप लगा हुआ है इस तरह का साबित, संजीव भट्ट बोला, मैं पहले बोला, आप बोले पहले, आप बोले हम भाई मैं मुझे मैच अटेंड नहीं किया, अभी आप ये अटेंड किया, आप जाकर जोर लगा बोला ऐसे बात किया, वो एविडेंस है तो आप एविडेंस देने के जवाहरलाल से देने से जवाहरलाल को नागपुर पछताना चाहिए, डायरी देना मैं तैयार था, मैं ये देता हूँ। आपने ये भी बोल दिया कि मैं नार्को टेस्ट का अंडर आई एम रेडी टू गो अंडर नार्को टेस्ट की बोल, एनीवेयर इंडिया, हां एनीवेयर इंडिया, कोई नहीं आया ना तो इसके वजह से आप बोलते मेरा एविडेंस खोट बोलते, ये नहीं बोलते ये झूठ है, सच में ये भी नहीं बोलते, सच भी नहीं हां, और मुझे टेस्ट के लिए भेजते हैं मैं कैसे प्रूव करूं, अभी हम तीन है ये हम दोनों है ये बोलते हैं ये श्री कुमार सर हमको मारा और ऐसी गाड़ी बोला, आपको कैसे पता, मैं बोला नहीं उल्टा हुआ मारा है तो मटेरियल एविडेंस नहीं तो ये आप ऐसे मटेरियल एविडेंस दूसरे को देंगे, फोटो फोटो नहीं है, अब बोलते हैं भाई तुमको नार्को टेस्ट करो, ये बोलते हैं मुझे मत कर, हमारा वो खुद ही मैं जा नार्को टेस्ट करता हूं, मैं जो नार्को टेस्ट ये मटेरियल एविडेंस नहीं है, उसे नहीं है तो उसको कोर्ट में साबित नहीं है, लेकिन आप इसके बावजूद भी बोल रहे थे कि आई एम रेडी टू गो अंडर द नार्को टेस्ट, अभी भी सुप्रीम कोर्ट को मेरा केस फाइनल नहीं हो गया, को हम मेरा मन साफ है, मैं आप ये रूम में मैं नहीं एक अंदर मेरा रूम वो मोदी हैज टू डबल फेस अपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी फेसेस, ये के पब्लिक को दिखाने के लिए अच्छा भाषण मैं ऐसे किया ऐसे बोलेगा, लेकिन सच में किया नहीं, मोदी साहब ने
2013 में, 13 अक्टूबर में इसमें लिखा है। हाँ, उन्होंने बोला एक हम कार चलाते समय एक कुत्ता भी इसके अंदर आएगा तो मैं मुझे दुख लगते हैं तो हमको बहुत दुख हो गया। दो दिवस हमको भगवान से प्रार्थना करके हमारा दुख को शमन कर दिया। मैं लिखा है साहब आपने दुख हो गया मैं मानता हूँ, लेकिन आप सब्सिक्वेंटली कोई एक्शन लिया नहीं, तो मैं अभी 5 एक्शन 6 एक्शन सजेस्ट करता हूँ, ये करो तो आपका दुख मान कर जरूर। मैं अम्बेडकर के बारे में बोला ना, मोदी बोलते हैं अम्बेडकर का स्टैचू मिलने से दर्द नमस्कार, और अम्बेडकर का अम्बेडकर जी ने जो सूचन दिया अम्बेडकर से मैं बोलते हैं श्री कुमार साहब को पूजा करता हूँ, मुझे शाम तक खाना भी नहीं खिलाया, मैं भूख मारने वाला हूँ। और बोलते हैं इसका फूल घर चढ़ाया और फूल हार भी लेकर आया, फोटो भी बढ़ाया, फोटो डालेगा ये श्री कुमार को फूल हार करते हैं, उसके बदल पानी भी पिलाया नहीं। मैं चाय ऑर्डर किया अभी आप बीच में लाकर उसको चाय रोक सकते हैं, घर मिलेगा नहीं, इसलिए सक्सेस हो गया वो सबवर्सन को हम 3 ऑफिसर माना नहीं, ये 2 ऑफिसर छतरी पर तो बाद में बदल हो गया। तो राहुल शर्मा को 2 तारीख मार्च में उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन मिला 450 मुस्लिम छोकरा छोकरियों को छोकरा है छोकराओं का यतीम खाना और मदरसा है वहाँ हिंदुओं का एक साल दो साल प्राउड जाते हैं तो वो खुद आ गया क्योंकि एसपी को उस समय ना पीछे एसपी पचास लोगों का टोला भी होते हैं तो एसपी आ गया तो कोई तो उतरा तलवार तलवार लेकर आते थे। इन्होंने बोला भाई चले जाओ ये इसमें कुछ नहीं, हम तो उनको प्रोटेस्ट दिए होते हैं तो राहुल से हमारा मेरे प्रोटेस्ट चाहिए ना कलेक्टर ऑफिस में जाओ हम 5 आदमी को ले जाऊंगा। ये तो बिल्कुल आभरण छोकरा लड़को पढ़ते हैं इतनी गाना है उसका गजरा वगैरह कुछ पता ही नहीं चला, इसका तो दिखाने हमको दिखाएगा हम आगे बढ़ेगा यहाँ के हाँ आगे उन्होंने बोला आगे बढ़ेगा तो मैं एक्शन ले लेगा क्या करेगा फायरिंग करेगा क्योंकि ये समझते हैं फायरिंग करेंगे हमारा राज्य हमारे बीजेपी का राज्य हमको फायरिंग करेगा हम बीजेपी का फ्लाई हाथ में है कोई कोई लोगों ने ऐसे किया नहीं। इन्होंने फायरिंग किया चेस्ट में फायरिंग किया 3 आदमी मार गया बाकी लोग है ना ऐसे भाग गया शायद ओलंपिक्स में भाग गए। अच्छा 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 ऐसा बात है। शाम को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में से चीफ मिनिस्टर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही विल नॉट फॉलो हिंदी फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफिस समबडी आस्क्ड हिम मिस्टर राहुल शर्मा इन यूर फायरिंग कोई Hindus were killed, no Muslim. Then he replied that in my rifle, the rounds, bullets have no knowledge, no capacity to identify Hindu Muslim. तो ये सही बात है। उसका इतना तंग किया, इसमें लिखा है। और कांग्रेस को, कांग्रेस मैं तो रिटायर हो गया। मैं कांग्रेस का माइनॉरिटी कमीशन को इसको एक एनुअल अवार्ड देने के लिए बोला। एनुअल अवार्ड बचा बहुत आदमी को देते हैं, एक बोर्ड देते हैं ही हैज डन गुड वर्क फॉर माइनॉरिटी कमीशन तो जरा संतोष के देख सकते हैं किया नहीं वो चर्चा जी जमा पे। और बोला साहब आप अहमद पटेल को मिलते रहिए। मैंने कहा ऐसे अहमद पटेल का मिलने का तो अजमेर से जिसमें मुलाकात करूँ रही हूँ काशी विश्वास में जो मुलाकात करूँ रोज अहमद पटेल को मिलना मैंने मैं नहीं हूँ मैं क्यों ये चर्चा जी करना है अभी आप गुजरात में रहते हैं ना तो गुजरात का आजकल का माहौल कैसा है कि उधर का जो गुजरात का मुस्लिम है सिक्योर है या जो अभी ये पॉलिटिशियन हो या जो हिंदुत्व हो या स्प्रेडिंग हेटर्ड अमंग द कम्युनिटी ना तो इसमें भाईचारा सब खराब हो चुका है कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है तो इस तरह का एटमॉस्फेयर में
अभी जो इंसा हुआ था 2002 में, उधर के जो गुजरात के मुस्लिम सिक्योर है या कैसे, फिर भी हाउ टू ब्रिंग बैक द ब्रदरहुड बिटवीन द कम्युनिटीज? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोलो। इसमें ऐसे है भाई, आरएसएस का उद्देश्य क्या है? मुसलमान को जीने नहीं देगा, जीने देगा, जीने नहीं देगा, जीने देगा। लेकिन मुसलमान को इंडिया का सेकंड राइट सिटीजन तरीके खुद मानना पड़ेगा। हाँ, अभी प्रैक्टिकली ये सच्चाई के तौर पर ऐसे हो गया। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसका मैं आपसे इंफीरियर हूँ। हिंदू कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है, एक लैडर है, आप तीसरा लैडर है तो आप तीसरा लैडर ही ले सकते हैं। अच्छा, आप वैसे है तो वैसे ही ले सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। उसने ये सभी के नीचे हैं मुसलमान। अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्रिश्चियन, मुसलमान, उधर इसके फिलहाल भी ऐसे हैं। मैंने भी स्टडी किया है आपसे, क्योंकि आर एस एस का पूरा लिटरेचर में पढ़ा है। मैं तो चार एम ए होल्डिंग करने वाला प्रोफेसर हूँ। सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई तमिल इलेवन बाबा मिल जाए, मुस्लिम का रूट करेगा, एक्सट्रोशन करेगा। बॉम्बे में होते हैं, बॉम्बे में सभी का रूट, ऐसे कुछ नहीं है, पूरा नहीं। 2002 से अब तक मेजर राइट्स नहीं थे, अंग्रेज हर एक साल में दो दो राइट चलते, वो सिक्योर है। लेकिन वो खुद वो ये मैं आपसे इंजीनियर हूँ, मैं आपके नीचे हूँ, वो मनोभाव से मन में ऐसे विचार है, वो विचार से रहेगा। अभी जो आप जो लीगल बैटल कर रहे हैं गुजरात जो विक्टिम्स के लिए, अभी ये ऑफिसर जो लोग फैसिलिटेटर बोला अंग्रेज में, जो मदद का, क्योंकि उनका अनुकूल साहचर्य, अनुकूल संजोग बना दिया, संजोग बना ठीक है, अनुकूल। क्योंकि यहाँ सौ सौ डालकर ये टेबल वगैरह करके, यहाँ का एक चार आदमी पांच आदमी को चाय पिलाने के लिए अनुकूल संजोग बना दिया, तो मुझे नहीं तो मैं चाय कैसे पिलाऊंगा। उसी तरह ये जिस जिस जगह में 50-50 आदमी, 100-100 आदमी मारते हैं ना, अहमदाबाद सिटी जैसा, वहाँ का लोग ये सिचुएशन बना दिया, संजोग बना दिया, संजोग बना दिया, ऐसे कोई का भी एक्शन नहीं लिया। उसके भी एक्शन लेने के लिए हम रिपब्लिक इंटरेस्ट फॉर एक्शन अगेंस्ट मुसलमान को नाम वाला लिखा है। लेकिन ये तो आप आपका जारी रहा है, यानी सही तरह जा रहा है। फिर से उन लोग के बीच में भाईचारा लाने के लिए कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई प्लानिंग है ये कौन लोग करना चाहिए? ये लोग दोनों के बीच में जो मॉडरेट सेक्शन है वो करना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते हैं उसको चलते रहे, क्योंकि इसमें जो 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 इसमें इनिशिएटिव लेकर करेगा ना, उसको कोई केस में फंसाएगा, तंग करेगा। अच्छा, इससे आगे नहीं बढ़ते। कोई जवाहर हसन जवाहर ऐसे आंध्र प्रदेश का एक आदमी है, वो उसमें ना मुसलमान भी उसको कुछ नहीं है, क्योंकि वो एथिस्ट है, नास्तिक है। अच्छा, उसने ना हिंदुओं से जैसा नास्तिक होने से मुस्लिम को कोई पसंद नहीं, क्योंकि भगवान सभी अल्लाह के नाम से इंशाअल्लाह, सभी इंशाअल्लाह बोलते हैं। ऐसे तो हिंदुओं का थोड़ा राशन चलेगा, और राशन है उसका सोसाइटी का नाम ही सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ राशनल थिंकिंग, स्प्राट, उसके लिए वो करते हैं ना। अच्छा। वो बस कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत कम है, गांधी थोड़ा करते हैं रेस्पॉन्स। अच्छा। आपको किसको है? बदलना किसको? लोगों को, लोग पूरा कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट करके रखे ना, सब तरह करके रहे, अभी करके रहे, उसके पीछे कोई भी वो कम्युनिस्ट है, मैं क्यों कम्युनिस्ट नहीं, मैं घर के रहने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं किया, ये कुछ भी कारण से मैं नहीं, मेरा नेचर ऐसे नहीं है। अच्छा, तो सभी देखिए अभी आपका इसने खाया, आपको टोट खराब नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, उससे मुझे हो सकते हैं, मुझे दोस्त गुड़ खाने से हो सकते हैं, ये मेंटल माइंड का बात भी अच्छे है। और ये कांग्रेस वगैरह भी मैं बुक में लिखा है, कांग्रेस से कांग्रेस का टाइम पर 1990s में अहमदाबाद वगैरह सिटी में मुस्लिम लोगों का अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट दिया। हाँ, मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डोंट था वहाँ,
वो अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ को उपयोग करके एक अच्छा कांग्रेस लीडर को कांग्रेस ने मार डाला इंग्लैंड के अंदर, हाँ मुसलमान को राफ वाली उल्ला बड़ा स्कॉलर था, बड़ा अच्छा आदमी था, तो मार डाला। अभी ये मुसलमान मुसलमान मार अभी इनके बीच में ये सभी भाई इतने आपको समझे ना, ये तो चतुरंग थे सर। अभी आप प्रोग्राम में बताते ना कि जो जिधर भी हिंसा होता है रियल प्रदेश को कम करने, जैसा पीपू दिन आ रहा ने बोले थे ना कि नो रियर्स लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स अभी तो अंटिल गवर्नमेंट सपोर्ट हो गए। इसी तरह आपने कहे थे कि अभी समझो त्रिची में, त्रिची में कुछ हिंसा हो गया विद इन हाफ एन आवर आई विल बी कंट्रोल्ड इट, बोले थे ना ऐसा कर।